हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी इंसान को अगर लगता है कि उसके अंदर कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, तो उसके क्या क्या कारण हैं, कैसे पता लगाएं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी कमजोरी का क्या कारण हो सकता है, तो इसको इस वीडियो के अंदर समझते हैं। पहली बात, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके बाद आपको वीकनेस लगती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कहीं जाने अनजाने आप ये दवाइयां तो नहीं खाते हैं। जैसे कि पहली दवाई हो सकती है स्टेरॉइड। बहुत सारी स्किन की डिजीज़ या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें स्टेरॉइड एक दवा की फॉर्म में दी जाती है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस फील हो सकती है। दूसरी कॉमन दवाई है स्टैटिन्स। मेडिसिंस होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दी जाती हैं। ऐसे मरीजों को भी स्टैटिन खाने के बाद वीकनेस शरीर में महसूस होती है। उसके अलावा मलेरिया के लिए देने वाली क्लोरोक्विन, गाउट के अंदर दी जाने वाली कोल्चिसिन, फाइब्रेट्स और HIV में जुडुवुडाइन और अल्कोहल, इसकी वजह से भी आपको वीकनेस होती है। तो ये ड्रग्स का सेक्शन हुआ। इसमें स्टैटिन जो है, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, उसकी जो वीकनेस है वो शरीर के प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कंधे या हिप जॉइंट या डिस्टल पार्ट हैंड या फीट वाले पार्ट दोनों में ही वीकनेस लगती है। अगर इसके लिए हम मसल की एंजाइम्स की टेस्टिंग करते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं कि अगर मसल में कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से वीकनेस आती है, तो ये टेस्ट बड़े हुए आते हैं। तो नॉर्मली इन सारे ड्रग्स के कॉजेज में जब तक कोई सीरियस इंजरी नहीं होती है, कोई CPK का लेवल या एल्डोलेस का लेवल, LDH, ये तीन एंजाइम होते हैं, इनका बढ़ा हुआ नहीं आता है। दूसरी प्रॉब्लम, वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड्रोक्राइन प्रॉब्लम यानी कि हॉर्मोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। जैसे कि अगर किसी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड स्टेरॉइड का निर्माण करती है बॉडी के अंदर, तो अगर वो इनसफिशिएंट है, सही से नहीं कर पा रही है, तो आपको वीकनेस लगेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन लोगों को थायरॉयड की बीमारी है, थायरॉयड का लेवल कम रहता है जिनका, उनको भी शरीर में वीकनेस लगी रहती है पूरे दिन। या जिनके अंदर डायबिटीज़ की सिचुएशन है, या जिनके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है मेडिसिनल फॉर्म में या डिजीज़ की फॉर्म में, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर भी हो सकता है, तो उनके अंदर भी वीकनेस होती है। इनमें जो मेन वीकनेस होती है प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है, यानी कि कंधों को उठाने में और हिप जॉइंट में उठने बैठने में ज़्यादा वीकनेस लगती है। मसल एंजाइम्स जो होते हैं CPK, एल्डोलेज, LDH, इसके अंदर ज़्यादातर नॉर्मल आते हैं। तीसरी कंडीशन जो वीकनेस की होती है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। ये एक रेयर ग्रुप की मसल की डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर मसल की इंजरी होती है, और डर्मेटो और पॉलीमायोसाइटिस में तो प्रॉक्सिमल पार्ट यानी हिप और शोल्डर जॉइंट के अंदर वीकनेस महसूस देती है अगर ये डिजीज़ होती है तो। बट इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस के अंदर डिस्टल यानी कि हैंड, रिस्ट और एंकल या फीट जॉइंट के अंदर आपको वीकनेस लगेगी। मसल के अंदर बीमारी है तो मसल बायोप्सी से पता लगता है इसके बारे में, और CPK, LDH और एल्डोलेस का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ डिजीज़ जेनेटिक होती हैं, जो अनुवांशिक होती हैं, जो परिवारों में चलती हैं, तो ये जो अनुवांशिक डिजीज़ होती हैं जैसे बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है हिप और शोल्डर जॉइंट में, या आपका लिम्ब गर्डल जो कि शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल के आसपास के एरिया में वीकनेस दिखाती है, या मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें कि डिस्टल जॉइंट हैंड या फीट के अंदर वीकनेस होती है, इनके अंदर CPK का लेवल बढ़ा हुआ भी हो सकता है बैकर्स और लिम्ब गर्डल मायोडिस्ट्रॉफी में तो खास तौर से। तो ये जेनेटिक कंडीशंस हो गए जो आपको वीकनेस का आभास कराती हैं। उसके अलावा कुछ ग्लाइकोजन और लिपिड स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, उनके अंदर भी वीकनेस होती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। CPK का लेवल बढ़ा आता है अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, मेनली प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है। और कहीं ज़्यादा कॉमन कंडीशन जो होती है, जो हमारे बॉडी के सॉल्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर जैसे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाने लगे बाहर से या ऐसे प्रोडक्ट्स लेने लगे, तो वो वीकनेस कर सकती है। पोटेशियम जो कि फ्रूट्स के अंदर रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है तो भी आपको वीकनेस लगेगी। मैग्नीशियम एक सॉल्ट होता है जो कि कम या ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो वीकनेस लगेगी। हालांकि क्योंकि मसल में कोई इंजरी नहीं है तो CPK का लेवल नॉर्मल होता है। इन डिजीज़ के अंदर वीकनेस जो हम देख रहे होते हैं, तो हमें ये नोट डाउन करना होता है कितने ड्यूरेशन से ये बीमारी चल रही है, वर्कआउट आप करते हैं या नहीं करते हैं, वर्कआउट से जुड़ी हुई वीकनेस तो नहीं है, लास्ट टाइम आप अपनी लाइफ में कब ज़्यादा एक्टिव थे,
उसके अलावा जैसे कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल वीकनेस की बात की, तो प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है कि जब आप कुर्सी से बैठ के खड़े होंगे तो ये हिप की प्रॉक्सिमल वीकनेस हुई। जब आप कॉम्बिंग कर रहे हैं उसमें आपको वीकनेस लग रही है तो वो शोल्डर जॉइंट की प्रॉक्सिमल वीकनेस हुई। डिस्टल वीकनेस जैसे कि आप हैंड से जो भी काम करते हैं, हैंड का जिसमें यूज़ होता है, अगर वहाँ वीकनेस लग रही है तो उसे हम डिस्टल वीकनेस बोलते हैं। या फिर अपने पंजों में खड़े होने में गैस्ट्रोसोलियस की जो वीकनेस होती है वो डिस्टल वीकनेस में आती है। तो ये क्योंकि इन सारी की सारी वीकनेस में प्रॉक्सिमल या डिस्टल वीकनेस ज़्यादा कॉमन होती है अलग अलग डिजीज़ में। जैसे थायराइड में प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है, स्टेरॉइड ज़्यादा होगा तो भी प्रॉक्सिमल वीकनेस होगी, वहीं इंक्रूजिंग बॉडी मायोसाइटिस में डिस्टल ज़्यादा होती है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में डिस्टल वीकनेस ज़्यादा होती है, और जो स्टैटिन हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे थे उसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल वीकनेस दोनों ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा अगर स्किन पे रैश आ रहे हैं, आई पे रैश आ रहे हैं, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी हमारी डर्मेटोमायोसाइटिस कंडीशन थी उसके अंदर होता है, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन खाते हैं तो पता ही चल जाएगा उसकी वजह से है। इसके अलावा जो मायोसाइटिस होती है उसमें साइनोवाइटिस नहीं होती है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग नहीं होती है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है। अगर वो होगी तो आपकी मायोसाइटिस वो नहीं हो सकती। मसल के अंदर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, तो आप मसल की पावर की ग्रेडिंग जरूर करते हैं कि वो 5x5 है या नहीं है। उसके अलावा वीकनेस अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है बॉडी के अंदर, तब भी वीकनेस आती है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक कंडीशंस, और उसके साथ साथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियासिस, ये सारी डिजीज़ रूमेटिक डिजीज़ होती हैं, इनमें सब में वीकनेस होती है। जहाँ हमने जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात की थी, तो ये शुरुआती पीरियड से जब आप छोटे होते तब से ही बीमारी चलती रहती है, तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री मिलती है क्रॉनिक की, शुरू से ही ऐसे थे और बीमारी प्रोग्रेसिवली बढ़ती है। तो इसके अंदर मोटर टेस्टिंग हम करते हैं और जेनेटिक की हमने बात कर ही ली है। कई बार वीकनेस बहुत ही एक्यूटली और सडन आती है, जैसे स्ट्रोक के अंदर हुआ कि ब्रेन में थक्का जम गया तो एकदम से वीकनेस आ गई पूरे शरीर में। स्पाइन की इंजरी की वजह से भी वीकनेस आ जाती है, वो स्पाइन की इंजरी, ट्यूमर, इन्फेक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है या इंजरी की वजह से हो सकती है। उसके अलावा बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी और उसके डिसबैलेंस की वजह से हो सकती है। ये हमने देखना ही है कि वीकनेस प्रॉक्सिमल पार्ट में है या डिस्टल पार्ट में है। मेडिसिन की हिस्ट्री, जो क्योंकि हमने ड्रग्स डिस्कस की थी जिनकी वजह से वीकनेस होती है, फैमिली हिस्ट्री से हमें जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पता लग जाएगा। इन्फ्लेमेटरी जो मायोपैथी हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, क्योंकि मसल वीक होती है तो ऐसे लोगों को सटकने में और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मसल वीकनेस के हमें फीचर्स पता चल जाते हैं। उसके अलावा रैशेज और फीवर की हिस्ट्री मिल जाती है। अगर कोई स्ट्रोक या स्पाइन का रीज़न होता है, स्पाइन के अंदर इन्फेक्शन, ट्रॉमा या कोई ट्यूमर होता है, तो वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करके हम मसल की टेस्टिंग कर लेते हैं कि पावर कितनी है। जनरल एग्जामिनेशन करके दूसरे ऑर्गन सिस्टम, लंग, लिवर को चेक कर लेते हैं। स्किन का इन्वॉल्वमेंट जैसे डर्मेटोमायोसाइटिस में होता है, या कुछ तरीके की आर्थराइटिस जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है उसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें उन वीकनेस का पता लग जाता है। कोई भी कारण अगर मसल के अंदर हमें इंजरी लग रही है उसके बाद वीकनेस हो रही है, तो वो एंजाइम्स CPK, एल्डोलेज और LDH से पता चल जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हम सोच रहे थे, ग्लाइकोजन और लिपिड स्टोरेज डिजीज़ जो होती है, उनके मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, तो उनकी एबनॉर्मलिटी से हमें उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। एना जो होता है वो कोई भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ होती है उसमें बढ़ा हुआ है, तो हमें शक हो जाता है कि कहीं स्क्लेरोडर्मा, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, जिसमें उनके स्पेसिफिक टेस्ट या ESR CRP ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ी हुई होती हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस और पॉलीमायोसाइटिस का एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एंटीसिंथेटेज एंटीबॉडी, तो एंटीसिंथेटेज एंटीबॉडीज़ अगर पॉजिटिव है, और स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है मसल की बायोप्सी, MRI में हम उस पर्टिकुलर मसल की एडीमा को चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कि कैल्शियम बढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम कम या ज़्यादा है, पोटेशियम कम या ज़्यादा है, थायराइड भी ब्लड टेस्टिंग से पता लग जाता है। और अगर पर से हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम मसल के अंदर ही है, तो EMG के टेस्ट से हमें मसल के अंदर की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था कि वीकनेस खाली शरीर में विटामिन्स की कमजोरी की वजह से नहीं होता है, बहुत ढेर सारे कारण पॉसिबल हो सकते हैं जिसके लिए, तो वो सारे के सारे कारण और उस अप्रोच को हमने डिस्कस किया, कैसे हम पेशेंट की डायग्नोसिस सही तरीके से बनाते हैं, और क्योंकि डायग्नोसिस सही होगी तभी हम उसको सही तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR Delhi।